जैसा कि हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कह रहा फंक्शन x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन इफ x लेस देन इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 एट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस x इज इक्वल टू 3। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हमारे पास क्या होगा। तो सॉल्यूशन इसका देखिए बहुत ही इजी है, और आपसे इसमें कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3 और ए और बी का हमको वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए ए और बी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा हमारे पास। तो फाइंड आउट करने के लिए देखिए कंडीशन यहाँ पे पहले समझते हैं। कंडीशन दो हमारे पास गिवेन है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है कह रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल 3, मतलब एक्स या फिर लेस देन 3 हो या एक्स बराबर 3 हो, फर्स्ट कंडीशन में। और बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 3, जब ये फंक्शन होंगे तो जब लेस देन इक्वल 3 होगा या लेस देन 3 और एक्स इज इक्वल टू 3, तो फंक्शन क्या लेंगे यहां पे ए एक्स प्लस 1, क्लियर है। और यहां पे जब एक्स इज इक्वल टू 3 होगा तब भी फंक्शन क्या लेंगे ए एक्स प्लस 1 लेंगे। बात समझ में यहां तक क्लियर है। यहां पे x इज ग्रेटर देन 3 होगा, जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा तो फंक्शन कैसा लेंगे यहां पे, फंक्शन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस 3। बात समझ भाई। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। x इज इक्वल टू 3 पे कह रहा, तो देखिए यहां पे x इज इक्वल टू 3 पे, तो x इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड की क्या कैसा लेते हैं -3 माइनस का, यहां पे कितना हो जाएगा फंक्शन x, क्लियर है। अब यहां पे देखिए -3, देखिए x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3 के लिए भी फंक्शन क्या लेंगे ax प्लस 1, देखिए ax प्लस 1, तो यहां पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का है तो यहां पे कितना हो जाएगा ax प्लस 1। बात समझ में आई। अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 3 है तो कंडीशन चेंज करने के लिए हमने आपको बताया था अगर x इज इक्वल टू 3 माइनस का है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 क्या करते हैं माइनस एच करेंगे, 3 माइनस एच, माइनस एच करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में तो x इज इक्वल टू 3 रखिए यहां पे 3 माइनस एच, 3 से 3 कैंसिल तो h इज इक्वल टू 0 या h टेंड्स टू 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस का, तो 3 माइनस की जगह पे क्या रखेंगे 0। तो यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट की भी हम बात कर रहे हैं तो सॉल्व करिए यहां पे रखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहां पे कितना रखेंगे ए एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना हमने निकाला यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 3 माइनस एच और कितना है प्लस का 1 ऑलरेडी हमारे पास है। बात समझ में आई। अब मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कराइए यहां पे हो जाएगा 3 ए माइनस ए एच और प्लस का 1 ऑलरेडी है, क्लियर। अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो जहां आपको एच इज इक्वल टू 0 रखेंगे कब, जहां जहां एच दिख रहा है हमारे पास, तो यहां पे एच दिख रहा है कहां पे हमें 3 ए माइनस ए इंटू 0 प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास बचा 3 ए प्लस का 1। कौन सी लिमिट निकली है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकली है, कौन सी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें यहां पे। अब यहां पे हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का, लेफ्ट हैंड के लिए क्या लेते हैं माइनस का और राइट हैंड के लिए क्या लेते हैं 3 प्लस का, और फंक्शन कितना हो जाएगा x। देखिए 3 कैसा है प्लस है, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल 3, मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा है, तो जब बड़ा है तो क्या लेंगे बी एक्स प्लस 3, ये देखिए हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 3 तो फंक्शन क्या लेंगे बी एक्स प्लस 3, तो यहां पे रखें लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस का, तो यहां पे हो जाएगा बी एक्स प्लस कितना दे रखा है 3। बात समझ में। अब इसके लिए लिमिट हम लोग चेंज कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस का दे रखा है तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं प्लस का एच करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस का करते हैं तो x इज इक्वल टू यहां पे 3 रखेंगे तो यहां पे कितना निकल आएगा h इज इक्वल टू 0 या h टेंड्स टू 0 भी हम इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। पुट करिए यहां पे x टेंड्स टू 3 प्लस का
तो यहां पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसकी जगह पे b, x की जगह पे कितना रखेंगे हम लोग, 3 प्लस h, तो 3 प्लस h और प्लस 3 ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसका मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पे 3b प्लस बी एच और प्लस कितना है 3, क्लियर है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां एच दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, तो यहाँ जीरो रखेंगे, 3b प्लस बी इंटू जीरो प्लस कितना हो गया 3, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3b और प्लस का कितना हमारे पास है, ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस कितना है 3, तो ये कौन सी निकल के आई हमारे पास, राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास। अब देखिए अगर यहां पे हम निकालें फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन पे, शुरू में हमने बताया नहीं आपको, यहां पे देखिए अगर निकालें फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए एक्स प्लस वन पे, ए एक्स प्लस वन पे, यहां पे एक्स इज इक्वल टू कितना 3 रखेंगे हम लोग, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं, तो यहां पे करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 रखेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे कितना रखा हमने 3, तो यहाँ पे 3 a प्लस कितना हो जाएगा 1, एक हमारे पास ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन को 1 बनाएंगे तो ये फंक्शन और ये फंक्शन कैसा है, इक्वल है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, देखिए 3a प्लस 1 यहाँ पे 3a प्लस 1, तो कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट किस पे, फंक्शन 3 पे, बात समझ, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकला हमारे पास, लेफ्ट हैंड 3a प्लस 1 और राइट हैंड कितना निकला 3b प्लस 3, तो यहां पे तो इक्वल नहीं है, देखिए यहां पे 3b प्लस 3 यहां पे 3a प्लस 1, तो यहां पे नॉट इक्वल टू, लेकिन राइट हैंड लिमिट और फंक्शन 3 पे, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्लियर है, तो यहां पे कितना है फंक्शन हम लोग उठा लेते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए कितना दे रखा है 3b प्लस 3, तो यहाँ पे 3b प्लस 3 और फंक्शन 3 पे कितना दे रखा है 3a प्लस 1, क्योंकि a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे देखिए प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, तो 3b माइनस का 3a ये प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, अब यहां पे देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 3, तो यहां पे हो जाएगा b माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 2, क्लियर है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो b माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 2 बाई 3 निकल के आ गया, अब ये माइनस का तो उधर जाएगा प्लस में, तो b इज इक्वल टू हमारे पास निकल आया कितना हो जाएगा a माइनस 2 बाई 3, ये b का वैल्यू हमारे पास निकल के आया, b इज इक्वल टू a माइनस 2 बाई 3, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा प्लस में, अब ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में, प्लस है ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, तो a का वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगा a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा b प्लस 2 बाई 3, बात समझ में आई है, क्लियर है, a और b का वैल्यू हमारे पास यही निकल रहा है, क्लियर है, तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।